नमस्कार विद्यार्थियों, आपसे आप सबका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आपके मैत्री चरण चल रही है। पहले बताया, फिर से बताती हूँ, ये कविता काफी लंबी है। पहले बार में हमने जो चार परिचय दिए वो भी आपका 22-23 मिनट का होगा, इसलिए वो डायरेक्ट आएगा नहीं, इसको भी दो हिस्सों में करूंगी, इसलिए वो दो भाग हो गए, पहला और दूसरा, और अब हम देखते हैं तीसरा भाग। मित्रों, वो सभी भाग को देखना, बाकी आप एक एक भाग छोड़कर एक एक भाग नहीं देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा और ऐसा लगेगा कविता अधूरी है। तो मित्रों, जिस प्रकार से मैं आपको जो यूट्यूब में भाग एक दो भाग दो करके अपलोड करती हूँ, वो सभी भाग के वीडियो को खास ध्यान से देखना, तो ही आपको कविता का भाव समझ में आएगा। असाइनमेंट के लिए प्रश्न लिखने के लिए प्रश्न पूछे, ऑब्जेक्टिव वो भी समझ में आएगी, बाकी तो आपको ऐसा लगेगा कि अधूरा है। प्रश्न का जवाब समझने के लिए आपको पूरी कविता के सभी वीडियो देखने। तो मित्रों, ये भी बड़ा है तो शायद उसको भी दो भाग हो जाए तो तीन और चार हो जाएंगे, तो सभी वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना। ऐसा मत करना कि एक भाग में लिखा है तो एक ही भाग के एक की कविता बार बार बताएंगे, नहीं, अलग अलग भाग में मैं अलग अलग हिस्सों को समझाती हूँ। ये मित्रों ध्यानपूर्वक सुनना, ध्यान से समझना, क्योंकि ये कविता लंबी है, बड़ी है, तो शायद चार हिस्से हो जाएंगे उसके। तो मैं आपको मनुष्य धर्म कविता करके करके एक दो मनुष्य धर्म भाग एक, मनुष्य धर्म भाग दो, मनुष्य धर्म भाग तीन और मनुष्य धर्म भाग चार ऐसे रखोगे तो आप चारे चार भागों को देखोगे, एक खास बाकी आप एक एक भाग को देख लेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि कविता तो इतनी ही नहीं, पूरा प्रश्न लिखने के लिए, पूरी कविता का भाव समझने के लिए आपको चार चार वीडियो को देखने पड़ेंगे, तब जाकर आपको कविता समझ में आएगी। क्योंकि विद्यार्थी लिखा से करते कि एक ही एक टाइटल है, एक ही मैडम का एक कपड़े वही एक ही नहीं, ऐसा नहीं होता है, कविता लंबी है, इसलिए दो भाग की मैंने आपको एक ही बताई, उसके भी दो भाग करने पड़ेंगे। इसका भी पीछे से मैं आपको समझाती हूँ, वो भी चार परिचय है, शायद बड़ा बन जाएगा तो उसके भी दो भाग करने पड़ेंगे। तो मित्रों सभी वीडियो देखना ताकि कविता समझ में आ सके। अब देखो मित्रों, हमने एक कविता मनुष्य प्रयोग की थी, चार परिचय देखे थे, उसमें मैथिली शरण गुप्त ने समझाया है कि जीवन में मनुष्य को किसी दूसरे मनुष्य के लिए काम आ सके ऐसा कार्य करना चाहिए, तो ही मनुष्य सफल कहा जाएगा। जो मनुष्य मनुष्य के लिए मरता है वही मनुष्य जीवन की सफलता है, बाकी अपने लिए तो पशु भी जीते हैं। इसी बात का उदाहरण देते उन्होंने जो कर्ण का उदाहरण दिया है, दधी जी की बात बताई है, उशीले राजा की बात बताई है, रति देव राजा की बात बताई है, जिन लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए नहीं परमार्थ के लिए जिंदगी जी, ठीक है, वैसे ही भगवान बुद्ध का नाम लिया, भगवान महावीर का जीवन किया, जो परमार्थ के लिए लोग उनका विरोध करते थे पर उनकी जिंदगी का संदेश सीखा। अब आगे का पांचवा परिचय जैसा ही है जो उसको पढ़ते हुए समझाओ, रहो न भूल के कभी मधांत तुच्छ चित में, सनाथ जान आपको करो न गर्व चित में, अनाथ कौन है यहाँ, अनाथ कौन है यहाँ, त्रिलोकनाथ साथ है, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ है, अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए। देखो गुप्त जी कहते हैं कि रहो न भूल के कभी मदान तुच्छ, तुम कभी इस प्रकार अभिमान में मत आ जाओ, मदान अभिमान, अभिमान में मत आ जाओ, मद में अंधे मत हो जाओ, तुच्छ वित्त में, तुच्छता में वित्त में कहा हो, देखो मेरे पास इतनी सारी संपत्ति है, मैं इतना महान, मेरे पास क्या नहीं, मैं तो सबसे श्रेष्ठ हूँ, ऐसे झूठे अभिमान में मत आ जाओ भूलकर भी, सनात ना जान आप करो न गर्व, मेरे पास को क्या क्या नहीं है, मेरे पास मेरा परिवार है, पिता है, माता है, भाई है, बंधु है, सखा है, पत्नी है, परिवार है, संतान है, ऐसा झूठा गर्व चित्त में अभिमान में गर्व मन में मत करो, चित्त में मन में अपने मन में ऐसा झूठा अभिमान मत करो, अपने आप को सनाथ और अपने परिवार के साथ जाने, क्योंकि यहाँ पर अनाथ कौन है, कोई अनाथ नहीं है,
क्योंकि सबका एक आधार एक ईश्वर अवश्य सही त्रिलोकनाथ त्रिलोकनाथ परमात्मा। यहाँ पर सभी का परमात्मा अवश्य है ही, कोई अकेला नहीं है। अनाथ कौन है, यहाँ त्रिलोकनाथ सब है। दयालु दीन बंधु के बड़े विचार, क्योंकि जिसका कोई नहीं है उसके ऊपर ऐसे दयालु दीन बंधु, दीन यानी गरीब बंधु के गरीब सखे मित्रों को दया करने वाले बहुत से लोग हैं। उनके हाथ विशाल है कि ऐसे लोगों को मदद करे। चाहे आप गोदान की जो कहा जाता है कि MDH वाले जो चाचा थे, मसाले की अगर टीवी में आप सब देखी होगी, MDH वाले जो चाचा थे सर पर पगड़ी पहनते थे और ऐसे आगे रट देते थे, एक MDH वाले चाचा की अभी फिलहाल ही मृत्यु हो गई है, तो कहा जाता है कि उन्होंने अपने संपत्ति 50% संपत्ति वो दान कर दी। जितने भी वो कमाते तो काफ़ी थे, यानी कहा जाता है। और दूसरी बात, एक तो ये उन्होंने सिखाई और दूसरी सिखाई कि अपनी चीज़ों की नुमाइश, यानी जैसे हम जाहिरात करते ऐड कहते हैं, विज्ञप्ति कहते हैं, वो अपने आप ही करो तो भी बिकेगी। किसी के पास करवा कर आपको अपनी चीज़ नहीं रखनी है। आप उसमें इतनी क्वालिटी इतनी दमदार बनाता हो कि अपने आप ही उसकी जो विज्ञापन करो तो भी लोग खरीद लेंगे। और क्योंकि उनकी चीज में जो गुणवत्ता थी और उसमें जो दयालु ईमानदारी की बुद्धि थी कि अपनी संपत्ति का 50% दान करते हैं, वही उनकी महानता उनकी नामना करने के लिए पूछती थी। आज के वर्तमान युग में भी मित्र ऐसे मिलते हैं, लोग ऐसे हैं कि जो अपना इतना संपत्ति दान कर देते हैं और ये कार्य कर देते हैं। शायद आप लोगों को फेसबुक का मालिक मार्क जुकरबर्ग, उसने भी अपनी बेटे की जन्म के वक्त अपनी संपत्ति दान कर दी। वर्तमान में भी है कि ऐसे जिंदगी जीवो कि आप अपने पास सबसे ज़्यादा संपत्ति है तो लोगों को दान कर दो। कभी ज़रूरत नहीं ना आपको विश्व के दरिको भी आ जाने की, ये नहीं आएंगे तो भी आप गरीबों के मुँह में अपना खाने का निवाला देकर महानता से करेंगे। यानी कि यही बात यहाँ पर गुप्त जी समझाना चाहते हैं कि ऐसे लोगों को भी नाथ है जिनको मदद करते हैं। दयालु दीन बंधु के विशाल हाथ है, अतिव भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे, जो अधीरता से रहते हैं। जैसे मैंने आपको अभी बताया नहीं चलता कि जिनके पास इतनी संपत्ति होने के बाद भी हाय तो बाप चाहते हैं अभी और एकत्रित करें और एकत्रित करें, जितना है इससे भी गुना करें, संतानों को इतना देकर जाए। वो लोग कैसे हैं कि जिनके पास संपत्ति है सुख है सुख, फिर भी वो कैसे है भाग्यहीन है, भाग्य के बिना के है, अधीर है इसलिए भाग्य। यही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए, और सच में मनुष्य कैसा होना चाहिए वर्तमान के लिए। उदाहरण आपको दी है अपने जाने के, फिर आपने रतन टाटा के नाम सुना होगा, स्टील का उद्योग में विश्व में उनके जैसा कोई नहीं है। जो भी 75-76 साल की साल में भी इतने एक्टिव है, वो भी उन्होंने 2500 करोड़ रुपये से कहा जाता है कि अभी फिलहाल लॉकडाउन में लोगों को गरीबों का के लिए धन दे दिया। ऐसे लोग हैं जो जिनके लिए वर्तमान युग में भी अपना जीवन अपने लिए नहीं जीते, उनकी ऐसी कामना नहीं है कि चलो मेरा नाम पहले से दूसरे नंबर पर आ जाए, पर वो उनको दान की भक्ति में चलाते हैं। ऐसे लिए कहते हैं कि भूल कभी मदान पूछ कर अभिमान में मत रहो, अपेरा को मेरे साथ परिवार है, सब कुछ है, पैसे है, दूसरा कोई अनाथ मात्र कोई नहीं है, सबके साथ परमात्मा है। भाग्यहीन तो वो है जिसके भीतर अधीरता है, संपत्ति भले है पर अधीरता है, वो मनुष्य भाग्यहीन है। तो मनुष्य तो सही वही है कि मनुष्य के लिए मरे छठा परिचय। अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव है खड़े, समक्ष ही स्वभाव जो बड़े बड़े परस्पर अवलंबन से उठो तथा बढ़ो सभी, अभी अमर्त्य अंक में आपको चढ़ो सभी, रहो न योगी एक से न काम और का सरे। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए क्या कहते हैं, अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव है, अनंत अंतरिक्ष। आकाश कैसा है, अनंत है जिसकी कोई
शिवालय हम यहाँ से देखते हैं तो जहाँ पर उसका जो दिखता है वहाँ पर हमें क्षति एहसास होता है कि धरती आकाश में होती है, वास्तव में वहाँ जाकर देखो तो वहाँ पर आकाश का अंत नहीं होता है, जिसका कोई अंत नहीं है। ऐसे अनंत आकाश ब्रह्मांड में अनंत देव है, हजारों देव खड़े हैं समक्ष स्वभाव जो बड़ा है, जो साथ में स्वभाव उसमें टिकते क्या नहीं, स्व यानी अपने बाहु अपनी शक्ति से। परस्पर एक दूसरे को स्वलंबने अपने आप को और परस्पर अवलंबन के तो एक दूसरे को मदद करने की भावना, उठो और बढ़ो। एक व्यक्ति गिर गया जिसको पीछे छोड़कर भागो नहीं, उसको भी हाथ पकड़ खड़ा करके आगे बढ़ो, तो ही परस्पर आपके आधार से आप बढ़ सकोगे। अभी अमर्त्य अंक में आप पग चढ़ो सको, अमर्त्य इस मृत्युलोक में आप ऐसा कार्य करके जाओ कि आपके कार्य को अमर्त्यता रहे, अमृतता मिले, आपके कार्य आपकी नामना अमरता से रहे, आप पंख चढ़ो सको। इस प्रकार से लोगों को साथ लेकर मदद करके जाओ, जैसे गांधी जी मर गए पर इतने सालों के बाद भी मेहनत करते हैं, अम्बेडकर मर गए और इतने सालों के बाद भी उनके काम को याद करते हैं। जैसे ही दूसरे जो इस प्रकार के परोपकारी जो गायक और सरकार कहे जाते हैं पड़ता है, उन लोगों के शिक्षण के लिए जो कार्य किया तो आज भी उनको याद किए जाते हैं। यानी कि ऐसे ऐसे महान व्यक्ति थे कि जिन्होंने अपनी मृत्यु के बाद भी अपने कामों से अमरता प्रदान कर अमरता को प्राप्त कर लिया। मरने के बाद एक कवि साहित्य कार्य अपनी कृतियों से आज भी अमरता प्राप्त करते हैं, और कृतियां भी कैसे थी कि लोगों को काम आ सके वैसे। तो जो कहते हैं अंक में आपको अड़ो सको, रहो न योग की एक सेना का अंक और का अक्सर, एक इस प्रकार से रहो कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति का काम भी हो, ऐसा नहीं कि दूसरे व्यक्ति को पीछे हटा। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, सच्चा मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए क्या करे। जो छठी परिच्छेद में बता दिया कि सारे अनंत ब्रह्मांड में काफी देव है, सभी के सभी पर उसमें कौन है जो अपनी शक्ति से खड़े रहकर लोगों को मदद करते हैं परस्पर आधार लाकर। यानी कि इसके लिए मनुष्य को समझाते हैं कि उन देवताओं में भी मनुष्य में भी ऐसा ही है कि परस्पर एक दूसरे को आधार देकर आप खड़े रहेंगे आप भले मृत्यु के बाद भी आपके नाम ना अमर हो जाएगी, आपका अंग आपका गोद आपका नाम अमर होगा, और आप रहोगे या ना रहोगे पर आपका काम सारा जगत याद करेगा, और वही मनुष्य जो मनुष्य के लिए मरे। साथियों परिचय में देखो क्या कहते हैं, मनुष्य मात्र बंधु हो यही बड़ा विवेक है, मनुष्य मात्र बंधु हो यही बड़ा विवेक है, पुराण पुरुष स्वयं पिता प्रसिद्ध एक है, फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद है परंतु अंतरिक्ष में प्रमाण भेद है, अनर्थ है कि बंधुहीन बंधु की लता हरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए। क्या कहते हैं देखो, मनुष्य मात्र बंधु हो यही बड़ा विवेक है, बंधु का मतलब है बाह्य। मनुष्य ही भाई भाई की तरह एक दूसरे से मिलकर रहे वही सबसे बड़ा विवेक, भाई भाई भी आपको दुश्मन है, इसकी जगह यहाँ पर मनुष्य मात्र को भाई भाई के समान रहने का संदेश उपदेश जो गुप्त जी ने दिया है। तो कहते हैं पुराण पुरुष स्वयं पिता प्रसिद्ध है, आप लोग मानते हैं कि हमारे सबके पिता तो एक ही है, हम सभी भाई भाई हैं, कोई एक पिता की संतान गोद से एक माता की गोद से पैदा होने के कारण ही भाई भाई नहीं, हमारे पुराण पुरुष से जो मनु कहे जाते हैं शास्त्रों में, कैसे कहा जाता है कि जब तक सारे की सारी प्रवृत्ति जल राम खत्म हो गई तब वही मात्र मनु ही बचे थे, और उसके बाद उनको जो श्रद्धा से मिलन हुआ सारी सृष्टि की रचना हुई। इसीलिए कहते पुराणों के अनुसार हमारे वेद शास्त्रों के अनुसार पुराण के अनुसार पुराण पुरुष